नमस्कार, मैं सुनीता, स्वास्थ्य सेहत में आपका स्वागत है। आम की सीजन अब तक चल रही है और अचार की भी चल रही है, तो आज हम बनाएंगे केरी और मेथी का इंस्टेंट अचार, जो कि आज बनाएंगे, कल खा भी सकते हैं। अच्छा, तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक आम, जो कि 500 ग्राम का होगा, मेथी जो मैंने थोड़ा क्रश कर दिया है, एक चम्मच राय की दाल, एक चम्मच सौंफ, 3 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 1 चुटकी हींग और 150 ग्राम तेल ऑयल। ऑयल क्या क्या है ना, कि आप जो खाते हो ना वो ले सकते हो। अब ना अचार बनाना शुरू करते हैं, तो पहले आम को छील लेते हैं और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आम को ऐसे छोटे छोटे पीस में काट लेना है। अभी इसका मसाला तैयार करते हैं। अभी तेल को हम गरम कर लेते हैं तड़का लगाने के लिए। अचार का मसाला बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले डालेंगे हम मेथी। इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच राय की दाल, मतलब पुरिया राय का, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च ऐसे ना साइड में डालनी है, नहीं तो वो तेल गर्म होगा ना अपना तो जल जाएगी। और बीच में डालेंगे नमक, ताकि अपना तेल गर्म हो तो अपना मसाला जल ना जाए। और इसके बीच में थोड़ा सा ऐसे खड्डा करके डालेंगे अपनी हींग। अभी हम डालेंगे गर्म तेल हींग के ऊपर और तुरंत ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि उसकी खुशबू अंदर रह जाए। अब ढक्कन खोल देते हैं और मसाला सब मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम कैरी। हाँ, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसके अंदर डालेंगे हम तेल, जो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी ना पूरा तेल डाल देते हैं अंदर। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी देखो, हमने तेल डाल के पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अचार के अंदर तेल डालने का एक टिप्स है, जो कि अचार में जब तेल डालते हैं ना, तो इसे पूरा ठंडा करना होता है, नहीं तो अपनी केरी, आम या जिसका भी अचार बना रहे हो ना, वो कड़क हो जाएगा, स्वाद भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी टिप्स में हर वीडियो में, मतलब जो भी जिसका भी वीडियो है उसके देती रहूँगी। अभी अचार को हम इस जार में डाल देते हैं। देखिए, अपना इंस्टेंट अचार बनके रेडी हो गया है। इसे ना आप एक दिन छोड़ के खा सकते हैं, इतना स्वादिष्ट बनता है ना, मेरा तो फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।